The Sharifs of Pakistan. The Prime Minister of Pakistan has been disqualified from office. The court also disqualified the country's finance minister, Ishaq Dar. This verdict was unanimous. All the five judges declared that Prime Minister Nawaz Sharif is not an honest and sagacious person, and hence he should be disqualified. Nawaz Sharif is the three times elected Prime Minister of Pakistan. During his premiership in the 90s, Nawaz Sharif privatized many state-owned industries. The privatization policies which were initiated by Mr. Nawaz Sharif during his stints as Prime Minister during the 90s, that is the start of corruption, where a lot of state holdings, they were portrayed as if they are making losses, and then they were handed out to different political backers of Nawaz Sharif, his friends and his business associates. The government of Nawaz Sharif then passed a law that the tax authorities in Pakistan could not question the origin of money that entered Pakistan from abroad. One thing which we need to remember, and this is very, very important. When you're in the power, you can make laws according to your will. You can actually manipulate the system. You can bribe the people. You can get cuts from wherever you want. And this is what the Sharifs has been doing. And this is what they've been accused over the years. ये एक करीबी खानदानी मामला है। हुदैबिया पेपर मिल के मामले में जब आप डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स पर नजर डालें तो ये सिर्फ पूरा शरीफ खानदान, करीबी खूनी रिश्तेदार और चंद कजन्स हैं जिनका जिक्र डायरेक्टर्स के तौर पर भी किया जाता है। रमजान शुगर मिल की शेयर होल्डिंग पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होता है कि उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब हमजा शहबाज चला रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। वो पंजाब असेंबली के रहनुमा थे जबकि उनके भाई वजीर आजम थे। उन पर शरीफ खानदान की मलकियत वाली कंपनी रमजान शुगर मिल के जरिए 10 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। उन कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट खोले गए जो मत में नहीं आते। इन अकाउंट्स में पैसे जमा होते थे और आखिरकार वो हमजा, शहबाज शरीफ, सुलेमान, शहबाज शरीफ और खुद शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में जमा हो जाते थे। दरअसल ये फाइलें जो आप यहाँ देखते हैं, इसमें नाम दिए जाते हैं, ये बैंकिंग दस्तावेजात देते हैं, चालान देते हैं, वो सब कुछ जो उन तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड्स में दर्ज है कम उजरत वाले मुलाजमीन के नाम देते हैं। यहाँ एक मिसाल है, आप उसे देखें जनाब मसूद अनवर, वो उसे जनाब शहबाज शरीफ के नाम पर जमा करा रहे हैं। ये 1.6 मिलियन रुपए है। ये रकम हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान में 26 अप्रैल 2017 को जमा कराई गई थी जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे। ये 13 मई 2016 को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम पर 6 लाख रुपए की एक और रकम है। जनाब मसूद अनवर के अकाउंट में 52,451 रुपए जमा कराए गए, 1 करोड़ रुपए और 90 लाख रुपए मसूद अनवर ने मिस्टर शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करवाए। अब आप पूछ सकते हैं कि मसूद अनवर कौन है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से की जाने वाली इस तहकीकात के मुताबिक मसूद अनवर थे शरीफ खानदान का निचले दर्जे का मुलाजिम। आपके अपने खानदान का रुकन वजीर खजाना है और आपका दूसरा भाई वजीर आजम है, लिहाजा इस वक्त पूरी बैंकिंग चीन उनकी सहूलत के लिए मौजूद थी और मैं तहकीकात में शामिल एक जराए से बात कर रहा था। चूंकि एक बार जब उन्होंने बैंकरों से पूछा कि ये उनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा है और उन्होंने इन तमाम सरगर्मियों को क्यों नहीं रोका, तो उन्होंने कहा कि लोग बंदूक बरदारों के साथ बैंकों में आते थे और एक खातून तफ्तीशकारों ने कहा कि वो एक बैंकिंग अफसर को रो रही थी कि हम क्या कर सकते थे। बैंक मैनेजर्स को बैंक के आला ओहदेदारों का फोन आता था। बैंक खुद शरीफ खानदान की करप्शन पर पर्दा डालने के इस गठजोड़ का हिस्सा थे। नाम निहाद पनामा पेपर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जाम हैं। इसमें आलमी रहनुमा शामिल हैं और जहां उनमें से कुछ पर टैक्स से बचने की कोशिश में अपना पैसा छुपाने का इल्जाम है। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए हैरत की बात थी क्योंकि ये बैंक अलगवामी सतह पर सामने आया था। इसकी साख बहुत ज्यादा थी क्योंकि इससे पहले कई सालों से शरीफ खानदान इस खबर को इस्तेमाल करता रहा है कि उनके खिलाफ ये तमाम इल्जामात सियासी मुहरिकात पर मबनी हैं।
पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ के तीन बच्चों के नाम हैं। उनका खानदान ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए लंदन में जायदादों का मालिक है। नवाज शरीफ की बेटी ने लंदन में जायदाद रखने से इनकार किया है। इसके दस्तावेजात मुबैना तौर पर के हैं और जाहिर करें कि वो जायदादों की ट्रस्टी है, मालिक नहीं। लेकिन वो दस्तावेजात की पूरी नामी फॉन्ट में लिखी गई है जो 2007 तक दस्तियाब नहीं थी। अगर आप 1992 और 93 को देखें तो ये बहुत अहम वक्त है। मरियम के असासों में 21 गन्ना इजाफा हुआ है और एक साल में इसका कोई जवाब नहीं है। आप एक कारोबार के मालिक नहीं हैं। आपके नाम से कोई कारोबार नहीं है लेकिन आपके असासे 21 गन्ना बढ़ रहे हैं। 1992 में मरियम नवाज 19 साल की हो गई। पानामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसी ने शरीफ खानदान के माली मामलात को निकाला। मुश्तरका तहकीकाती टीम को बुनियादी तौर पर पता चला कि मिस्टर नवाज शरीफ आमदनी के मालूम जराए से बनाए गए असासों का जवाब पेश नहीं कर सके। ये अहम इल्जामात में से एक था। मामले को फौजदारी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। फौजदारी इस्तेगासा में एक मुकदमा था जो तकरीबन एक साल तक चलता रहा और इस मुकदमे में नवाज शरीफ की तरफ से इनकी दौलत की असल लंदन में उन चार फील्ड फोर्स की वजाहत के बारे में एक भी जवाब नहीं आया। वो पैसा कहाँ है जो वो कभी साबित नहीं कर सके थे? शरीफ खानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में होता है लेकिन उनकी दौलत की असलियत अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई है। इस वक्त तक मीफेयर में जिस फ्लैट में रह रहे हैं इसका नाम दरअसल गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी अखबार दी न्यूज़ में उन चार फ्लैटों में से एक के तौर पर लिया गया था जो आपके वालिद ने मुख्तलिफ सोर्स और ऑफशोर कंपनियों के जरिए गैर कानूनी तौर पर खरीदा था। तो नहीं, जो लोग असल में इसके लिए हमें मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं वो अदालत में जाते हैं और इसे साबित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं इसका मालिक कौन है? ठीक है, अभी ये सवाल नहीं है। तो नहीं, लेकिन ये वो सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि फ्लैट का मालिक कौन है? ठीक है, ये किराया पर है, ये मैं हूँ। मैं किराया की बुनियाद पर फोन कर रहा हूँ जो हर चौथाई पाकिस्तान से आता है। आप उसे ज़ाती तौर पर किराया पर दे रहे हैं या पैसा पाकिस्तान से आता है? पैसा पाकिस्तान से आता है। मैं अपने वालिदैन के साथ रहने वाले किसी भी दूसरे तालिब इल्म की तरह हूँ। मुझे हकीकत में ये जानने की जरूरत नहीं है कि हकायक क्या है और फ्लैट्स का मालिक कौन है और कौन किराया अदा करता है और कौन मेरे गुजर बसर के लिए अदायगी करता है। लहजा खानदान इसका मुस्तहक है। अगरचे ये मेरी गलती नहीं थी कि मैं एक अमीर और अमीर घराने में पैदा हुआ था। मेरे दादा ने यह सब कुछ सख्त मेहनत से हासिल किया। जब आप उनसे पूछेंगे कि आपको ये पैसा कहाँ से मिला तो वो आपको आजादी के वक्त अपने मरहूम दादा की कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। हम हिंदुस्तान से आए थे, हमारे पास कारोबार है। सच होती बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसके पास मनी ट्रेल ना हो। अगर आप उनकी टैक्स फाइलिंग को देखें तो ये एक बड़े सनती खानदान के तौर पर सामने नहीं आता है। शरीफ खानदान पाकिस्तान के इस अमीर घराने में कभी शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त बनाएं तो यकीनी तौर पर शरीफ खानदान टॉप 3 में शामिल होगा। हो सकता है कि टॉप 5 में इसलिए शामिल हों कि लक्समबर्ग, बर्तानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में उनकी कितनी जायदादें छपी हुई हैं। अमरीका में मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में किया है जो मालूम नहीं कि ये 4 अरब डॉलर है या 5 अरब डॉलर, ये मालूम नहीं है। दिसंबर 2018 में पानामा पेपर्स के इंकशाफात के नतीजे में नवाज शरीफ और उनकी बेटी को करप्शन के इल्जामात में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ लंदन में इलाज के लिए जमानत पर है और लंदन से पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर रहे हैं। नवाज शरीफ का दावा है कि उनका जवाल पाकिस्तानी फौज की साजिश है। बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब पड़ रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। आपने
आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। हाई जैकर कहना है, जरूर कहिए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। हमने वजीर दाखिला प्रीति पटेल से राब्ता किया ताकि उनसे पूछा जा सके कि नवाज शरीफ, जिन्होंने अपने बरतानवी विस्तर वीजे की मुद्दत 2 साल की मुद्दत खत्म कर दी थी, को बरतानिया से मुल्क बदर क्यों नहीं किया गया। प्रीति पटेल होम ऑफिस में अपने कयाम के दौरान पना गजीनों को मुल्क बदर करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। होम ऑफिस में MP प्रीति पटेल एक इंटरव्यू के लिए राजी नहीं थी। हमने नेशनल क्राइम एजेंसी से भी राब्ता किया। हम जानना चाहते थे कि नवाज शरीफ के असासों की कोई बामानी तहकीकात क्यों नहीं हुई। NCAA हमसे बात करने पर राजी नहीं हुआ। नवाज शरीफ शरीफ खानदान के वाहिद फर्द नहीं है जिन्होंने लंदन को अपना घर बनाया है। लंदन हाउस ऑफ शरीफ का दूसरा घर है। हसन नवाज यहाँ मौजूद हैं, हुसैन नवाज यहाँ मौजूद हैं, हुसैन के बच्चे जिक्रिया और एक और बेटा यहाँ मौजूद है। दाएं हसन के बच्चे यहाँ हैं, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं, और फिर अगर आप अली डार को देखें जो नवाज शरीफ के दामाद हैं, आसमा नवाज शरीफ जो नवाज शरीफ की सबसे छोटी बेटी हैं, तो वो यहाँ हैं। किदार यहाँ कैसे? फिर शबाशी फैमिली भी यहाँ है, सुलेमान शहबाज यहाँ है, अली इमरान जो दरअसल शबाशत के दामाद हैं, जो भी इसी मुल्क में रहते हैं। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान भी इसी मुल्क में है और वो दरअसल भाग रही है और पाकिस्तान में मतलूब है। अली इमरान पाकिस्तान में मतलूब है, इसहाक डार पाकिस्तान में मतलूब। दान में तीसरी दुनिया के मुल्क में आप देखें कि पाकिस्तान की अदालतों को पाकिस्तान में कानून के मुताबिक मतलूब ज्यादातर लोग लंदन बरतानिया में पना क्यों पाते हैं, ये मेरे लिए समझ में नहीं आता। लंदन सियासी तौर पर बेनकाब अफराद और उनके अहल खाना के लिए पसंदीदा मंजिल है जिन्होंने अपनी आमदनी के मालूम जराए से कहीं ज्यादा दौलत जमा की है। इन दौलतों को अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है या बरतानिया पर मुनहसर इलाकों में आउन के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता है जहां उनकी असल और मलकियत पोशीदा होती है और रकम को आलमी मईशत में दोबारा सरमायाकारी की जा सकती है। सरमाए की परवाज तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक बड़ी तशवीश है। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी सरमाया की परवाज है और ये सिर्फ हमारे बैंक के लिए मखसूस नहीं है, ये तारीखी रहा है। उसका बड़ा रास्त असर मईशत पर पड़ता है क्योंकि अब देखते हैं कि मसला ये है कि अगर हमारी करेंसी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही है और हमारे सामने पाकिस्तानी रुपए की कदर को बरकरार रखने का एक संजीदा मसला, तो उसका ताल्लुक सरमाए की परवाज से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स IRATF जो एक बैन अलहुकूमती मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर नजर रखने वाला इदारा है जिसका सदर दफ्तर पेरिस में है, ने पाकिस्तान को अपने दायरा इख्तियार की अजीम फहरिस्त में शामिल किया था। हमारे मालियाती निजाम को ज्यादा काबिल रसाई बनाया गया है। हम तकरीबन हर एक के साथ मालूमात का इश्तराक करते हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत से मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं क्योंकि यकीनन अब भी गुमशुदा उनसर दूसरे दायरा इख्तियार से तआवुन है जो सामने नहीं रहा है और बाज औकात हम हैरान होते हैं कि हम गिरे लिस्ट में हैं, लेकिन यहाँ से जो रकम ली गई है वो इन ममालिक में है जो गिरे लिस्ट में नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है जो अब जानते हैं कभी कभी ठीक है, तो हम सबसे बड़ी चीज में क्यों है। हमने इंटरव्यू के लिए FATF से रابطہ किया। FATF ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। हम FATF से पूछना चाहते थे कि बरतानिया स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग समेत दीगर ममालिक के लिए ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें साफ सुथरा समझा जाए जबकि ये ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मराकज के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी मईशतों के जरिए हर साल अरबों डॉलर की गैर कानूनी रकम दोबारा सरमायाकारी की जाती है। पैसा यहाँ चोरी किया जाता है और ये तरक्की याफ्ता दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में छुपा हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ पाकिस्तानी निजाम की गलती नहीं है कि पैसा बाहर जाने के काबिल है। मैं जिस चीज पर सवाल उठाता हूँ वो दोहरा मेयार है। लिहाजा मिसाल के तौर पर अगर आप एक तरफ पाकिस्तान जैसे ममालिक से ज्यादा चेक करने और ज्यादा खुले रहने के लिए कहते हैं तो हम बदले में दूसरे ममालिक से भी यही तवक्को रखते हैं।
जब हम किसी से तफ्तीश कर रहे होंगे तो हम बाहमी कानूनी मदद की दरख्वास्त लिखेंगे, मान ले स्विट्जरलैंड, और हम कहेंगे कि हमारे पास मालूमात है। मिस्टर ए का स्विट्जरलैंड में एक बैंक अकाउंट है। फला और फला बैंक में हम ब्रांच को नहीं जानते, हमें अकाउंट नंबर नहीं मालूम, लेकिन वो यकीनी तौर पर सिस्टम में है और उसकी शनाख्त, तारीख पैदाइश सब कुछ शेयर किया जाता है और हम मालूमात हासिल करेंगे और शायद एक या दो साल बाद हमें कुछ सवाल मिलेंगे कि क्या आप ब्रांच की शनाख्त कर सकते हैं, ठीक है, या क्या आप हमें अकाउंट नंबर दे सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी पहली दरख्वास्त में कहा था कि जब पाकिस्तान इक्तदार में आया तो हमारे पास वो नंबर नहीं था कि वो नरम हुकूमत बना सकता है। हमने बरतानवी हुकाम के साथ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी अनीशी ईटू के नाम से एक गैर रस्मी मुआहदा किया और एनसीए ने एनसीए के अंदर एक छोटा सा एंटी कोपिशन यूनिट भी कायम किया जो उसकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान की मदद करेगा। एनसीए में होम ऑफिस, यूरोपीय यूनियन के की नेशनल क्राइम एजेंसी, गैर मुल्की रियासतों की तरफ से बाहमी कानूनी मदद की दरख्वास्तों से निमटने के लिए जिम्मेदार। पाकिस्तान ने लंदन में शरीफ खानदान के असासों के हवाले से मुतअद्दिद एमएलए दरख्वास्तें दायर की। शरीफ खानदानों की दरख्वास्त में काफी वक्त लग रहा है, मिसाल के तौर पर कुछ सादा इकदाम करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। असासे मुंजमद करने या बरतानिया में असासों असरगर्मियों की तहकीकात, जब लोग पाकिस्तान में इल्जाम का सामना कर रहे हैं या संगीन जराइम में सजा याफ्ता, तो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। हमने अपनी तहकीकात की, हमने अपनी तफ्तीश की, लेकिन क्या बरतानिया की तरफ से कोई तहकीकात की गई है? हम नहीं जानते कि फ्लैट्स के लिए मई से मई के बारे में क्या ख्याल है। पानामा पेपर्स में आने वाले हसन नवाज के पूरे प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का क्या होगा? लोगों में ये तासुर जाता है कि जो कोई भी इस तरह के जराइम का इर्तिकाब करता है या जो करप्शन में मुलव्वस होता है वो लंदन में मेफेयर फ्लैट्स में रहता है। बदकिस्मती से तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम मसाइल मगरबी ममालिक हैं। उधर बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में हम हो सकता है कहीं और उंगली उठाकर ये कहने में बहुत अच्छा लगता है अरे वहाँ मौजूद तमाम करप्शन को देखो, लेकिन हकीकत ये है कि हम इस करप्शन को सहूलत फराहम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इसमें लॉन्ड्रिंग अवामी फंड से, क्योंकि हमारे पास एक तैयार शुदा निजाम है जो जाने के लिए तैयार है जहां बदनवान अफराद छप सकते हैं। लंदन और ऑफशोर दुनिया में इसका किरदार ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के पालतू जानवरों की जन्नत है। ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की जन्नत बनाना है। अब जानते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां अगर आप गैर कानूनी तौर पर कमाई गई दौलत को छुपाना चाहते तो आप गुनाह तौर पर ऐसा कर सकते और आप निस्बतन कम चेक एंड बैलेंस के साथ ऐसा कर सकते। जो लोग अपना पैसा छुपाना चाहते हैं उनके लिए बरतानिया पर मुनहसर इलाके जैसे कि मैनचेस्टर, जर्सी और ब्रिटिश वर्जन जज़ायर पसंद की मंजिल। माजी में बरतानिया ने दावा किया है कि ये दायरा इख्तियार आजाद है और वो उनके कवानीन को डिक्टेट नहीं कर सकता। मैंने सुना गैर मुल्कियों के लिए सिक्रेटरी ने परहेज करने की अहमियत को सही तौर पर बयान किया है। पाबंदियां लीक हुई और इसमें उनसे दो बार पूछा गया, बरतानवी समंदर पार इलाकों के बारे में बयान, मुझे एक हिचकिचाहट का पता चला। करप्शन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि तमाम गरीब ममालिक का मसला है। दर हकीकत में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुल्क सिर्फ अशराफिया की करप्शन और करप्शन की वजह से गरीब है। ये ताकतवरों की करप्शन है जो मुल्क को तबाह करती है, कमजोरों की करप्शन नहीं। जब मैं वजीर आजम की हैसियत से अपने मुल्क से पैसा कमाना चाहता हूँ, पैसे चोरी करें और फिर उसे बैरून मुल्क भेजें। मैं ये सिर्फ इसी सूरत में कर सकता हूँ जब मैं रियासती इदारों को कमजोर करूँ जो मेरी बदउनवानी की रोकथाम करेंगे। इस तरह इदारे बदउनवान हो जाते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं और वो ताकतवर के सामने खड़े नहीं हो सकते। अमीर ममालिक को आगे आना चाहिए और गरीब ममालिक से निकाली जाने वाली रकम, गरीब ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग को दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मुनशियात के पैसे की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मुनशियात की रकम, अमीर ममालिक को मुतासिर करती है। कवानीन बहुत सख्त हैं लेकिन अब जानते हैं कि गरीब ममालिक की इस लूटमार को रोकने की शायद ही कोई कोशिश की गई हो। मुझे लगता है कि अमीर ममालिक को पैसे वापस भेजने या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई तरलीब नहीं है क्योंकि वो उनसे फायदा उठाते।
ये वो ममालिक हैं जो हमारे ममालिक से चोरी की गई रकम से फायदा उठा रहे हैं और जो वहाँ खड़े हैं। वो अरबों डॉलर से फायदा उठा रहे हैं जो इस मुल्क से चोरी होने वाली उनकी जायदादों और उनके कारोबारों में बह रहे हैं। तो उनके पास क्या तरगीब होगी? हम वो हैं जो तकलीफ उठाते हैं और यही मखमसा है। हमारे पास पैसा वापस हासिल करने के वसाइल नहीं है और उनके पास इसे वापस भेजने के लिए कोई तरगीब नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ा मसला है जिसका सामना पूरी तरक्की पजीर दुनिया को करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अब ये बैरून मुल्क ज्यादा महंगे कवानीन की खिदमात हासिल करने का सवाल है। लेकिन अब देखते हैं कि जब आप इन कवानीन को देखते हैं जिनकी वो बुनियादी तौर पर हिमायत करते हैं, तो मेरा मतलब है कि मैं मजमूई तौर पर अमीर ममालिक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो धोखेबाजों की हिमायत करते हैं। आपके पैसे वापस हासिल करना बहुत पेचीदा है। इमरान खान अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफशोर मालियाती मराकज के खिलाफ बोलते रहते हैं। उनकी हुकूमत ने मगरबी इदारों और हुकूमत को चैलेंज किया कि वो गंदे पैसे और पाकिस्तानी नजाद गैर अलानिया असासों को वापस करें और जाहिर करें। सूडान इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और 7 मार्च 2022 को पाकिस्तानी सरजमीन पर CISH की मेजबानी से इनकार करके अमरीका को नाराज किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर ने एक खुफिया बयान में बताया कि महकमा खारजा के एक सीनियर ओहदेदार डोनाल्ड ल्यू ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात सिर्फ इसी सूरत में बेहतर हो सकते हैं जब इमरान खान को इक्तदार से हटाया जाए। खान ने दरअसल अमरीका पर इल्जाम आयद किया था कि वो उन्हें इक्तदार से बेदखल करने की साजिश के पीछे है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने अमरीका पर इल्जाम आयद किया कि वो उन्हें इक्तदार से हटाने के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्हें इक्तदार से हटाने के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने से इस इल्जाम में कोई सदाकत नहीं है। हम प्रोपेगेंडे, गलत मालूमात को अपने किसी भी दोतरफा ताल्लुकात की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे, बशमूल पाकिस्तान के साथ हमारे दोतरफा ताल्लुकात के साथ। वजीर आजम इमरान खान को इक्तदार से बेदखल कर दिया गया है। कानून साजों ने हिज्ब इख्तिलाफ के रहनुमा शहबाज शरीफ को मुल्क का नया वजीर आजम मुंतखब किया। एक नई सुबह का आगाज हो चुका है, एक नया दिन आ रहा है। अल्लाह ताला ने 10 लाख की दुआओं का जवाब दिया है। गार्डियन अखबार लिखता है कि जब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को पीर 11 अप्रैल को वजीर आजम मुकर्रर किया गया था, वो शायरी से इतनी मोहब्बत रखने वाले एक मेहनती मुंतजिम के तौर पर जाने जाते हैं कि वो अक्सर उर्दू के मशहूर इंकलाबी शायरों के साथ सरकारी मुलाकातों का आगाज करते। पार्लियामेंट के लिए उनके पहले अल्फाज ये थे कि इंसान को अपने आप को ख्वाहिशात की तमाम हदों से आजाद करना चाहिए। इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें गैर मुल्की हिमायत याफ्ता साजिश के तहत हटाया गया। अमरीकी सिफारत खाना मेरी पार्टी के इन अरकान को वापस बुला रहा था जो खुश नहीं थे, और वो पहले लोग थे जिन्होंने इसके बाद जहाज को छलांग लगाई, और वो लोग थे जिन्होंने बाद में जहाज को छलांग लगाने वाले मेरे दीगर अरकान पार्लियामेंट को खरीदने के लिए $10 लाख की पेशकश की। और फिर डोनाल्ड अगले दिन हमारे सफीर के साथ बातचीत खो देते हैं कि आपकी असेंबली में अदम एतिमाद की तहरीक मुस्तहकम है। आपके ख्याल में आपके पास ये अहम इल्जामात किया है जबकि आप ठोस सबूत नहीं दिखा रहे। अगर मेरे पास ठोस सबूत नहीं है तो मैं अमरीका को क्यों मोरिद इल्जाम ठहराना चाहूंगा? ये एक सरकारी पैगाम था जिसमें सफीर को कोई पैगाम नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमारे सदर की जानिब से दिया गया पैगाम ये हकीकी है। इस साजिश के जरिए न सिर्फ जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को हटाया गया बल्कि हमारी जगह मुजरिमों के एक गिरोह ने ले ली है। उस वक्त काबीना के 60% अरकान जमानत पर है। वजीर आजम और उनके बेटे को अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात में सजा सुनाई जाने वाली थी। शरीफ का नजरिया यह है कि आप इक्तदार के तमाम अहम ओहदों पर मुख्तलिफ लोगों को खरीदते हैं, चाहे वो मीडिया में ही क्यों ना हो। आपके पास आपके हमदर्द सहाफी हैं जो आपके लिए दलील देते रहते हैं कि मुल्क को सिर्फ शरीफ खानदान की दानिशमंदी से ही बचाया जा सकता है। जब जनरल रिटायर होते हैं तो उन्हें भी जगह दी जाती है। जजों के रिटायर होने के बाद उन्हें सहाफियों को भी जगह दी जाती है। उन्हें सरकारी ओहदा भी दिया जाता है और वो रजाकाराना तौर पर उसे कबूल करते हैं। लिहाजा ये पूरा शरीफ खानदान का जुर्म है जो उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो पाकिस्तान में कत्ल से भी बच सकते हैं।
और नवाज शरीफ ने यह सीखा है कि अगर आप इक्तदार से बाहर हैं, अगर आप वक्त हासिल करने में कामयाब रहे और अगर आप अदालतों में मुकदमात को मुअख्खर करने में कामयाब रहे और इक्तदार में वापस आने के बाद आपको साफ चेक मिल सकता है। लिहाजा मेरे ख्याल में इस बार भी शरीफ खानदान की जानिब से इसी हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में जो लोग इक्तदार में हैं, वो समझते हैं कि वो उन जराइम से बच सकते हैं जो उन्होंने किए हैं, और शरीफ खानदान उनसे फायदा उठा रहा है क्योंकि उनके बैन अलगवानी दोस्त डर्टी डील करने के लिए उनके बचाव में आ रहे हैं। एक दफा किसी ने कहा था कि अपने ख्वाबों से बढ़कर दौलत जमा करने के लिए जरूरी है कि वो उन अफराद के करीब हो जो कवानीन बनाते हैं और जो उन कवानीन को नाफिज करते। जब शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत कायम हुई तो उसके पहले इकदामात में से एक कौमी एहतिसाब ब्यूरो के इख्तियारात को महदूद करने के लिए एक तरमीम मंजूर करना था जो अवामी उहदेदारों के जरिया वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात का इंचार्ज था। ये तरमीम जो जून 2022 में मंजूर की गई थी पहले से नाफिज अल अमल होना था। तरमीम में कहा गया था कि अदालतों को एक साल के अंदर मुकदमे के नताइज का फैसला करना होगा और कहा गया है कि अगर गिरफ्तारी के वक्त काफी सबूत फराहम नहीं किए गए तो गिरफ्तार अफसर को झूठा रेफरेंस दायर करने पर 5 साल कैद की सजा हो सकती है। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ तहकीकात की सरबराही करने वाले 47 साल चीफ इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर मोहम्मद रिजवान 9 मई 2022 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। इसी केस के एक और तफ्तीशकार को दिल का दौरा पड़ा और वो अब भी तशवीशनाक हालत में है। मुल्क मसूद जिनके अकाउंट्स के जरिए प्रोसिक्यूटर्स ने इल्जाम लगाया था कि शरीफ खानदान के मुख्तलिफ अफराद को 3.7 अरब पाकिस्तानी रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, वो तफ्तीशकारों के साथ तआवुन कर रहे थे, उन्हें भी दिल का दौरा पड़ा और 7 जून 2022 को उनका इंतकाल हो गया। वाज़ह रहे कि 49 साला रमजान शुगर मिल्स में चाय का कारोबार करते थे जहां उन्हें शरीफ खानदान की मलकियत वाले इदारे में काम करने पर सालाना तकरीबन 300 डॉलर तनख्वाह मिलती थी। वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक लंदन दुनिया की दौलत का दारुल हुकूमत है जिसने न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ते हुए सरफहरिस्त मकाम हासिल किया। लंदन दुनिया के सियासी तौर पर बेनकाब अशराफिया और उनके अहल खाना, पाकिस्तान के शरीफ खानदान, अजरबैजान के इलेविस, कीनिया के कैनेटा और बहुत से दीगर मौजूदा और साबिक सियासी तौर पर मुंसलिक खानदानों का पसंदीदा खेल का मैदान है जिन्होंने अपनी आमदनी के मालूम जराए से कहीं ज्यादा दौलत हासिल की। लंदन में अरबों पाउंड की अहम जायदाद है। लंदन बैन अलगवामी प्रॉपर्टी सरमायाकारों की सबसे बड़ी तनवो का हामिल है जिसमें 45 ममालिक के लोग लंदन में जायदादों के मालिक हैं। बरतानिया पर मुनहसर दायरा इख्तियार माली राजदारी और टैक्स चोरी की खिदमात पेश करना जारी रखे हुए है। बरतानिया में 84,000 जायदादें गुमनाम तौर पर कमाई गई है। बरतानवी हुकूमत गंदे पैसे के खिलाफ करीक डाउन करने के बार बार वादे कर चुकी है लेकिन हर मौके पर हुकूमत वादा करदा कानून साजी पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है या कानून साजी को गैर मुअसर बनाने में नाकाम रही है। बरतानिया बदनामी की सियाहत का दारुल हुकूमत बना हुआ है जहां दौलतमंद अपने नाकदीन को खामोश करने की कोशिश करते हैं। लंदन आलमी अशराफिया के लिए एक महफूज पनागा बना हुआ है जो अपने आबाई ममालिक में पसंदीदगी से बाहर हो चुके हैं। इमरान खान की क्यादत में पाकिस्तान ने कई सालों तक बरतानिया के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई रकम वापस लाने की कोशिश की। हमने इस दस्तावेजी फिल्म के लिए बरतानिया के मुताबिक हुकूमती इदारों और वज़रा से राब्ता किया।